वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की 3 दिन बाद होगी देश वापसी। आज वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान सौंपेगा भारत को। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी से पहले पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान सरकार को सौंपे जरूरी दस्तावेज। अभिनंदन से जुड़ी जानकारियां दी गई। अभिनंदन को लेने बड़ी संख्या में लोग अटारी बॉर्डर पर मौजूद। लोगों का कहना है हीरो तो कई आए लेकिन अभिनंदन असली हीरो है। अभिनंदन के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे लोग, हाथों में तिरंगा मौजूद। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी के 6 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलवामा के त्राल से हुई संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी। गुप्त सूचना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का जमाते इस्लामी के कई ठिकानों पर छापा। कल ही जम्मू कश्मीर में संगठन पर पाबंदी लगाई गई। घाटी में जारी है आतंकियों के खात्मे का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के साथ आज सुबह शुरू हुआ था एनकाउंटर। कुपवाड़ा के एक घर में छिपे थे 2 से 3 आतंकी। आतंकियों की तलाश में पहुंची सुरक्षा बलों की टीम पर आतंकियों ने भारी फायरिंग की। एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम रही शामिल। आतंकियों के साथ एनकाउंटर खत्म होने के बाद सुरक्षा बल चला रहे हैं इलाके में सर्च ऑपरेशन। 3रे आतंकी की तलाश। विस्फोटक छिपे होने की भी आशंका। घाटी में आतंकियों के साथ ताजा एनकाउंटर के बाद तनाव बढ़ा। कुपवाड़ा और श्रीनगर में इंटरनेट सेवा सस्पेंड। शुक्रवार को होती रही है पत्थरबाजी की घटनाएं। जम्मू कश्मीर में लगातार 8वें दिन सीज फायर का उल्लंघन। उरी में पाकिस्तान की फायरिंग में 7 नागरिक घायल। भारत ने भी दिया जवाब। चंडीगढ़ में शहीद स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे। शहीद सिद्धार्थ वशिष्ठ का पार्थिव शरीर कल शाम उनके आवास पर लाया गया था। तिरंगे से लिपटे ताबूत में सेना के जवान पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे। पीएम मोदी आज दक्षिण भारत के दौरे पर होंगे। विशाखापट्टनम और कन्याकुमारी से 2,995 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस्लामी सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने अबुधाबी पहुंची सुषमा स्वराज। पहली बार भारत को सम्मानित अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच जैसलमेर में सेना हाई अलर्ट पर, संदिग्धों पर खास नजर। सीकर में स्थानीय लोगों ने BSF जवानों को फूलमाला पहनाकर विदा किया। जवानों को तिलक भी लगाया।